हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित। आज अपन पढ़ने वाले क्या कॉम्प्लीमेंट्स का पार्ट टू, जो रहेगा आपका टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख लो एक बार, मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसके दो पॉइंट्स पढ़ते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एग्जैक्टली, और इसके आगे मैंने दो तीन स्टेप लिखे हुए हैं और एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि टूज कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से अपने को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टूज कॉम्प्लीमेंट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या एक्जैक्टली, एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है किसके ऊपर, बाइनरी नंबर्स के ऊपर, और एक किसकी तरफ, किसका एक एग्जाम्पल ये रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज यूज इन कंप्यूटिंग एज अ मेथड ऑफ साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक तरफ से क्या हुआ कि आपका ये कहां पर यूज होता है, कंप्यूटिंग एज अ मेथड ऑफ साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, अब आते हैं क्या स्टेप्स के ऊपर, कि आपके स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना करके। तो स्टेप नंबर वन क्या रहेगा आपका, जो भी आपको बाइनरी नंबर गिवन होगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सबसे पहले। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि जो आपको जीरो गिवन है उसको वन लिखना है, जो वन लिखा हुआ है उसको आपको जीरो लिखना है। ठीक, स्टेप टू क्या रहेगा, उसमें जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट वाला जो आपको बाइनरी नंबर मिला है उसमें आपको प्लस वन ऐड कर देना है। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वो आपका स्टेप नंबर थ्री बन जाएगा, दैट इज योर सोल्यूशन। हुआ के लिए सिंपल सा। ठीक है, अगर ये स्टेप आपको समझाए तो आपको क्वेश्चन भी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट 110010 कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको यहाँ पे ये बाइनरी नंबर गिवन है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका स्टेप नंबर क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो 110010 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो देखो 110010 वंस कॉम्प्लीमेंट बना अपना, जो वन है वो जीरो हो गया, जो जीरो है वो वन बना, 001101। हुआ क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप नंबर टू के ऊपर। अब आपका स्टेप नंबर टू क्या हो जाएगा, आपको प्लस वन करना है किसके अंदर, जो आपका यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर निकला है उसको। तो 001101 था उसमें प्लस वन कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा जो आपका बाइनरी एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेशन है वही यहाँ पे आपको यूज करना है। तो 11 ऐड किया तो जीरो होता है, कैरी वन आया तो मेरा यहाँ पे वन कैरी चढ़ गया। ठीक है, 1 + 0 हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा, बाकी जो नंबर से मेरे यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। तो ये मेरा 00110 ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 110010 का मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट हुआ। समझ में अच्छी तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, अब आते हैं और एक सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मैंने यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिया हुआ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया हुआ थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 101001110। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या है अपना, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वन का बना जीरो, जीरो का बना वन, फिर बाद में आपका वन का बना जीरो, जीरो जीरो बना वन वन, वन वन बना जीरो जीरो, जीरो बना वन। हुआ क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप नंबर टू के ऊपर, क्या करेंगे, ऐड वन करना है इन स्टेप नंबर वन, यानी आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया हुआ उसके अंदर आपको स्टेप नंबर उसमें आपको ऐड वन कर देना सिंपल सा। तो ये मैं ऐड वन करूंगा तो वन वन क्या बनेगा, जीरो बनेगा और कैरी वन आएगा। तो 1 + 0 करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर मुझे वन मिलेगा, ये जीरो एज इट इज आ गया, 11 एज इट इज, 010 मेरा एज इट इज आ गया। तो स्टेप नंबर थ्री मेरा क्या बन जाएगा कि जो मुझे सोल्यूशन आया हुआ है वो हो जाएगा मेरा स्टेप नंबर थ्री, दैट इज योर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। समझ में अच्छी तरीके से। तो ये था क्या यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट का सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट एक्जैक्टली है क्या और उसके उसमें आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे उस जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो DELT में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।